नीमच जिले की मनासा तहसील में मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी से आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है, जिसका उदाहरण कुकड़ेश्वर विद्युत वितरण केंद्र के आला अधिकारी व लाइन मैन इन दिनों गांव-गांव में जाकर कर रहे बिलों की वसूली के अंदाज पठानी वसूली की तरह हैं। अगर 100 रुपए का बिल भी बाकी है तो उसके घर का कनेक्शन हाथों हाथ काट दिया जाता है। अगर समय पर बिल जमा नहीं हुआ तो कनेक्शन विच्छेद कर रहे हैं। अगर किसी किसान के कुएं का बिल बाकी है और उसने जमा नहीं करवाया तो उसके बदले में किसान के घर परिवार के सभी लोगों के घरेलू कनेक्शन काट देते हैं, चाहे वह कनेक्शन अलग नाम से ले रखा हो पर एक परिवार से जुड़े होने के नाते विद्युत विभाग कर रहा मनमानी। किसानों को अंधेरे में जीवन यापन करने पर मजबूर करते हैं विद्युत विभाग के आला अधिकारी। ऐसा ही दृश्य मनासा विधानसभा क्षेत्र के गांव कड़ी खुर्द में सामने आया। किसान मन्ना पिता कृष्णा बंजारा निवासी कड़ी खुर्द के कुएं का बिल 1,080 रुपए का बाकी था, तो इसकी एवज में वीवी कंपनी की गाड़ी में विद्युत विभाग के 8 से 10 लोग आए और इनके परिवार की गोवर्धन बंजारा, पप्पू पिता, कारूलाल बंजारा, जगदीश पिता, मोतीलाल बंजारा के घर के कनेक्शन काट दिए और कहा कि अभी के अभी पैसे जमा करो, नहीं तो अंधेरे में रहो। पर उपभोक्ता ने कुएं के बिल जमा कराने के बदले घरों की बिजली रोक रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बहनों की भाइयों और किसानों की रक्षा ऐसे कर रहे हैं। वर्तमान हालात मनासा विधानसभा अल्प वर्षा के कारण सूखा पड़ा है। वर्तमान में कई किसानों के खेत जो सूखे पड़े हैं, जिनमें किसानों ने एक घंटा भी मोटर नहीं चलाई होगी, जिसके बिल भी मजबूरी में लोग भर रहे हैं और क्षेत्रीय नेता इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। बस केवल वोटों के लिए अपने आप की छवि को ऊंचा रखने के लिए किसान हितैषी बताकर लोगों को गुमराह करते रहते हैं और आमजन व किसानों को तकलीफ देने का काम करते रहते हैं। एक ओर तो प्रदेश सरकार किसानों व मजदूरों की सरकार कहती है तो दूसरी ओर इस तरह प्रताड़ित किया जाता है। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। तो लोग कहते बिल काटी जाए, लाइट काटी गई हमारे घर की बिल बाकी तो आपके 1,000 तो कुआ का चक्कर में घर को बिल काटी गया। हाँ, घर को बिल काटी गया कूड़ा का चक्कर में, घर को बिल भर दियो मैं आपको। गाँव छोटी कड़ी